नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज के साप्ताहिक रोजगार समाचार में। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम कनीय अभियंता, असैनिक, रिक्तियों की कुल संख्या 150। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, उम्र सीमा 18 से 37 साल तक, वेतनमान की बात करें तो 27,000 रुपए मासिक। कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 50। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, उम्र सीमा 18 से 37 साल तक, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को ऊपरी आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन कहां करें तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि इस विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अवश्य ले। इस भर्ती विज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के वेबलिंक minorirrigation.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31/1/2020 है। अब हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, कुल रिक्तियों की संख्या 110। संकाय का नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उम्र 18 से 28 साल तक, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित संकाय में कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक या समकक्ष, इसके साथ ही संबंधित विषय में गेट 2019 में वैलिड स्कोर मार्क्स, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड में छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगी। अगर वेतनमान की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि में वेतनमान 40,000 से 1,40,000 के आधार पर प्रतिमाह दी जाएगी। प्रशिक्षण अवधि के बाद 50,000 से 1,60,000 के वेतनमान के प्रतिमाह वेतन देय होंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST/PWD कैंडिडेट्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा, अन्य सभी को 500 रुपए देना होगा। आवेदन कहां करें तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि इस विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी PGCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अवश्य ले लें। PGCIL के इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए PGCIL के ऑफिशियल वेबसाइट के वेबलिंक www.powergridindia.com पर जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2020 है। अब हम आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्किल्ड आर्टिशियन वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के द्वारा अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए स्किल्ड आर्टिशियंस के पद पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। पद का नाम स्किल्ड आर्टिशियंस, इस पद के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 8 है, जिसमें मोटर व्हीकल मैकेनिक के 2 रिक्तियां हैं, वेल्डर के लिए 2 रिक्तियां हैं, टायरमैन के लिए 2 रिक्तियां हैं, टिन स्मिथ के लिए 1 रिक्तियां हैं, ब्लैक स्मिथ के लिए 1 रिक्तियां हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्किल्ड आर्टिशियंस पद के लिए आवेदक कम से कम क्लास 8 तक पास होना चाहिए, साथ ही संबंधित ट्रेड में कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या इसके समकक्ष अन्य योग्यता वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र हैं। मोटर व्हीकल मैकेनिक पद के लिए हैवी व्हीकल्स का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 18 से 30 वर्ष, SC/ST के लिए 18 से 35 वर्ष तक, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 से 33 वर्ष तक, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 18 से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में न्यूनतम 3 साल की छूट दी गई है। कृपया ध्यान दें कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण और रियायत का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ भेजना जरूरी है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2020 को की जाएगी। वेतनमान की बात करें तो स्किल्ड आर्टिशियंस को ₹19,900 के वेतनमान के आधार पर प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। आवेदन कैसे करें तो इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इस भर्ती विज्ञापन की विस्तृत जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अवश्य प्राप्त कर ले, तभी आवेदन करें। इसके लिए केवल ऑफलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। प्रस्तावित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ और सभी संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां भेजना जरूरी है। आवेदन पत्र भेजने का पता ऑफलाइन आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का पता यह है: द सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, 134A SK आहिर मार्ग, वर्ली, मुंबई 40018। आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख 29/2020 तक बताए गए पते पर पहुंच जानी चाहिए। इस भर्ती विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाएं। अब आगे हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में।
भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली ने अभी हाल ही में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। पद का नाम टेक्निकल ऑफिसर, रिक्तियों की कुल संख्या 5। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक को साइंस फैकल्टी में मास्टर्स डिग्री होल्डर के साथ ही कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम टेक्नीशियन 1, रिक्तियों की कुल संख्या सिर्फ 1 है। शैक्षणिक योग्यता लैबोरेटरी के लिए साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिकुलेशन और 2 साल का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स तथा संबंधित क्षेत्र में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखने वाले आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएशन जो सिर्फ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में 3 साल डिप्लोमा या मैट्रिक एवं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ITI के साथ ही कम से कम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रखने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। पद का नाम टेक्नीशियन 2, रिक्त पदों की कुल संख्या 2 है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI के साथ ही कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। पद का नाम ट्रेड्समैन प्लम्बर, रिक्तियों की कुल संख्या 1। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्लम्बिंग ट्रेड में ITI के साथ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस या 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। पद का नाम मैनेजमेंट असिस्टेंट, रिक्त पदों की कुल संख्या 7 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। पद का नाम जूनियर असिस्टेंट 2, रिक्त पदों की संख्या 1 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास या समकक्ष और कंप्यूटर पर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड। पद का नाम स्किल्ड वर्क असिस्टेंट, रिक्त पदों की संख्या 5 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक या समकक्ष। उम्र सीमा सभी पदों के अनारक्षित और सामान्य वर्ग के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार आरक्षण और रियायत दिया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतनमान के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लेवल का वेतनमान लागू होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो रिटन टेस्ट और ट्रेड या स्किल टेस्ट परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST PWD और EXSM कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, जबकि शेष कैटेगरी के आवेदकों के लिए प्रत्येक पद के आवेदन शुल्क ₹500 देने होंगे, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के ऑनलाइन तरीके से जमा किया जा सकता है। याद रखें कि शैक्षणिक योग्यता और उम्र की गणना 17/2/2020 को की जाएगी। आवेदक कृपया नोट करें कि आरक्षण और रियायत का दावा करने के लिए आपको संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपलोड करनी होगी। 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करें तो इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आप इस भर्ती विज्ञापन को पूरी विस्तृत जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अवश्य प्राप्त कर ले। विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के वेबलिंक www.nii.res.in पर विजिट करें। आवेदन करने की तारीख ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2020 तक है। अब हम आगे बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली वैकेंसी नोटिस के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली ने अभी हाल ही में विभिन्न पदों के कुल 226 रिक्तियों के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार है। पद का नाम फॉरेस्ट गार्ड, कुल रिक्तियों की संख्या 211। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास और हिंदी का नॉलेज होना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो हाइट पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तक, वेतनमान ₹5200 से ₹20200 और ग्रेड पे ₹2000। पद का नाम फॉरेस्ट रेंजर, कुल रिक्तियों की संख्या 4। शैक्षणिक योग्यता साइंस या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन। शारीरिक योग्यता की बात करें तो हाइट मेल के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए 84 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से ₹1,12,400 होंगे। पद का नाम वाइल्ड लाइफ गार्ड, गेम वॉचर। कुल रिक्तियों की संख्या 11। शैक्षणिक योग्यता 10th क्लास पास। उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष तक। वेतनमान ₹18,000 से ₹56,900। चयन प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगी, जिसकी संभावित तिथि 12 एवं 13 मार्च 2020 है। परीक्षा केंद्र दिल्ली में होगा। आवेदन शुल्क UR, OBC, EWS के लिए ₹100, SC ST उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। कृपया ध्यान दें, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन सरकारी नियमों के अनुसार ही मिलेगा। भुगतान का तरीका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती अधिसूचना का पूरा विवरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के वेबसाइट पर पढ़ने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना फोटो, हस्ताक्षर, ID प्रूफ और अन्य संबंधित सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई
ऑफिशियल वेबसाइट www.forest.delhigovernment.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। उम्मीदवारों को आवेदन का प्रिंट आउट जरूर लेना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई की अंतिम तारीख 13/2/2020 तक है। अब आगे हम बात करेंगे CSIR CIMFR वैकेंसी नोटिस के बारे में। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान CIMFR धनबाद झारखंड के द्वारा अभी हाल ही में विभिन्न पदों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार है। पद का नाम टेक्नीशियन ग्रुप 2, रिक्तियों की कुल संख्या 20 जो विभिन्न ट्रेड्स के लिए है, जो इस प्रकार है: इलेक्ट्रीशियन के लिए 6, मैकेनिस्ट के लिए 3, फिटर के लिए 6, प्लम्बर के लिए 2, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 पद रिक्त है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% अंकों के साथ 10th क्लास पास और संबंधित ट्रेड में ITI पास या समकक्ष होना अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 28 वर्ष। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा। वेतनमान की बात करें तो ₹19,900 दे होंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, महिला एवं CSIR के कर्मचारियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। शेष आवेदक केवल ₹100 आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, जो SBI पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन कैसे करें तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ले। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के वेबलिंक www.cimfr.nic.in पर विजिट करें। पूर्ण रूप से भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म जिसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हो, वह रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से इस पते पर भेजें। प्रशासनिक अधिकारी CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद 826001 झारखंड। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17/2/2020 है। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। और भी तमाम रोजगार की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।